हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो फिलहाल मैं आ गई हूँ मेरे शूट पे एंड यस, आज मैं जिम में पहन कर आई हूँ बिकॉज आज मेरा प्लान है कि यहाँ से शायद से मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी पैक वो करें, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना वर्कआउट के लिए जा सकूँ। तो देखते हैं, आज आप लोग जस्ट बी विद मी एंड लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर। यार बहुत दिन हो गए मैंने ऐसे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, सो लेट्स सी। हाँ, पानी के लिए रखा था पहले, ये देखो, ये मेरे लिए पानी नहीं रखा रूम में, क्यों मेरा ध्यान नहीं रखते? नहीं मैम, अभी तो किसी में नहीं रखा, किसी में नहीं रखा। कोई है, आया है अभी? बाकी सब आ गए? पहला कौन कौन है अभी? बस एक आप और एक मिस्त्री मैम आए हैं। अच्छा, ये है निखिल आया? असिस्टेंट में कोई है? ओके ओके, ठीक है। रिंकू, रिंकू आए हुए तो उसको भेजना, चेंज वेंज पहले कर लेना। अच्छा ठीक है, बोल देते हैं। सो मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सो लेट्स सी, जस्ट स्टे विद मी एंड देखती हूँ आज जो मेरी प्लानिंग है वो पूरी हो पाती, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, सुबह ना मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट नहीं किया। गुड मॉर्निंग। हाँ, नहीं कपड़े रखेंगे चेंज के लिए। मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट किया नहीं है एंड तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा ऐसे ही मन लगे अगर जल्दी इनकेस हो गया तो यहीं से मैं मेरी कैलिस से निकली चली जाऊँगी एंड आई बी सॉर्टेड, आई बी हैप्पी। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट मी गेट रेडी। तो बेसिकली ये इससे पहले जो आप सब देख रहे थे वो बुला लिया, ये मेरे हर ब्लॉग में निखिल सबसे पहले आके बुलाने आ जाते हैं, मुझे खाना खाते हुए भी बुलाने आ जाता है। एनीवेज ठीक है, मैं जा रही हूँ शॉर्टली, लेकिन ये बताना ये चाह रही हूँ कि अभी जस्ट थोड़े अभी जस्ट जो मैंने अभी बातें बोली थी ना, मैं एक्साइटेड थी कि मैं शायद अब तक वर्कआउट के लिए जा पाऊंगी, शायद से मेरा जल्दी पैकअप हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी इस वक्त। ये मेरा अगला दिन का है क्योंकि मुझे कल बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, तो मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सो एक्चुअली अच्छा है टाइम नहीं मिला, मैं बहुत बिजी थी, तो अच्छा है ना, माइंड आपका बहुत बिजी बिजी रहे तो बहुत अच्छा रहता है। जब आप शूट पे आते हो तो शूट पे वो बीच में वो जो ऐसे एक एक सीन का भी गैप नहीं मिलना चाहिए, मुझे तो लगता है पूरे सीन में चल करते रहो, या तो फिर पैकअप हो जाए तो पैकअप हो जाए, या तो अगर सेट पे हो तो पूरा टाइम बस आई शुड कीप वर्किंग, आई लव इट। तो अभी देखती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ शॉर्ट के लिए एंड देन देखती हूँ आज आप लोग के साथ रह पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं बात करने का, अगर मिलेगा तो हम ज़रूर बात करेंगे कुछ ना कुछ, मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ ऐसे ही करती रहूँगी। सो ओके बाय, नाउ आई जस्ट गो एंड देन सी यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेट पे, ये है मीना और ये है रिंकू, तो मेरे सारे कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम ज्वेलरी सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आज नहीं करना है क्योंकि मैं जेल जा रही हूँ सीन के हिसाब से। आज एक्चुअली सेट पे नहीं शूट हो रही है हमारी, जेल के लिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम घर सेट के पास ही है, तो फिर हम गाड़ी से ऐसे जाते हैं, थोड़ा सा ड्राइव के साथ, लॉन्ग ड्राइव के साथ, शॉर्ट ड्राइव के साथ, लॉन्ग ड्राइव शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सो ठीक है, लेट्स सी जेल में क्या हाल होता है मेरा, या मैं क्या हाल करती हूँ सबका। तो ये मेरे लिए जेल बन रही है, देखो ये जेल बना रहे हैं मेरे लिए, सुबह सुबह मुझे जेल डाल जेल में भेज रहे हैं, सब बहुत खुश है मुझे जेल में भेज के, ये देखिए ये सबसे ज्यादा खुश है विश्वजीत, मुझे जेल भेज के बहुत खुश हो ना? नहीं 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 नहीं, कैसा लग रहा है? आप इतने अच्छा इंसान है, जेल आपको जेल नहीं जाना। अनामिका की बात कर रहे हैं, ज्योत्सना की नहीं, अनामिका अच्छी थोड़ी ना है, लेकिन अपने लेवल पे वो भी अच्छी है यार, उसके साथ तो जो हुआ गलत हुआ ना देखा जाए तो, अगर किसी ने सो ये जेल में पहुंच गई है, फिर आप बीच में आ जाना, ऐसे क्या होगा
पिछले हफ्ते भी मुझे तो मुझे ये कह रहा था आप इनके साथ गिर जाना, ठीक है तो आप इनके सपोर्ट में आ जाना। ए इसको तो हाथ क्यों लगाया, ठीक है फुल चाओस एक दूसरे को मार पीटे। तो यार मेरा पैकअप भी हो गया और मैं घर भी आ गई, ये चीज़ मेरी कल नहीं हुई आज हो गई। सो और आज मेरा ना मन नहीं है जिम जाने का, तो मैं जिम वगैरह कुछ नहीं जा रही हूँ, सीधे मैं घर पे आ गई एंड रिलैक्स कर रही हूँ। व्हाट एल्स, सो यस आप लोगों ने देखा होगा कैसे जेल में मैं बंद हूँ। तो जेल एक्चुअली मैं जेल में बंद हूँ ना, इसी वजह से मैं जल्दी पैकअप हो गया। सो That's it. So, अगर आपको मेरा मेरे क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता बिकॉज आई एम जस्ट टायर्ड, बस इतना बोलना चाहूँगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड हैव फन।